जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों का हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं मैथ का। इसमें आप लोगों के लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में सेट टू आ गया है, 2022 सेट नंबर है 324FG। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का क है, ई पावर वाई इंटू 1 प्लस x बराबर 1 है, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ई पावर वाई 1 प्लस x बराबर 1 ले लिया है। यहाँ पर ई पावर वाई का 1 में गुणा फिर x में, अंदर गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ई पावर वाई का 1 में गुणा होगा, ई पावर वाई ही आएगा। ई पावर वाई का x में गुणा करेंगे तो x ई पावर वाई आ गया बराबर 1। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डी डी एक्स लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ यक्ष इंटू ई के पावर वाई बराबर डी बाई डी एक्स 1। तो ई पावर वाई का ई पावर वाई ही होगा, लेकिन वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर वाई है तो वाई का दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर गुणा का फार्मूला लगाएंगे, प्रथम इंटू द्वितीय का, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकल अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इधर बराबर के बाद 1 का अवकलन 0 होगा, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ई पावर वाई का ई पावर वाई ही होगा, फिर यहाँ वाई का दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर वाई इंटू एक्स का अवकलन 1 होगा बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स एक जगह करना है, तो ई पावर वाई या डी वाई बाई डी एक्स कामन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कामन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कामन कर लिया, ब्रैकेट में ई पावर वाई बचा प्लस यक्स, सॉरी ई पावर वाई भी कामन है, ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स दोनों चीज कामन है इसमें, तो ये कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा, पूरा कॉमन हो गया है 1 बचा, प्लस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया x बचा, और प्लस ई पावर वाई का 1 में गुणा होगा ई पावर वाई बराबर 0। तो ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस x बराबर ई पावर वाई प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ई पावर वाई से ई पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस x बराबर -1। अभी जो हमको सिद्ध करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, द्वितीय कोटि का अवकलन याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस x को बटे ले आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस x, -1/1 प्लस x। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई का अवकलन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। इधर डी बाई डी एक्स माइनस बाहर कर देंगे 1/1 प्लस x, या -1 लिखिए रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
यहाँ पर भाग का फॉर्मूला लगेगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, ये तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस x इंटू माइनस वन कॉन्स्टेंट है, अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस वन माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस x का जब अवकलन करेंगे तो 1 का अलग हो जाएगा, x का अलग हो जाएगा अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 प्लस x का अवकलन 1 बटे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, इधर 0 का गुणा होगा इसमें 0 हो जाएगा प्लस 0 और 1 जुड़ेगा 1 आएगा, 1 का गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर वन ही आएगा और 1 प्लस x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो डी स्क्वायर वाई बटी डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 अपान 1 प्लस x, -1 अपान 1 प्लस x डी वाई बाई डी एक्स का मान है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये होल स्क्वायर लगा दिया। इस तरह से आपका ये सवाल सिद्ध हो गया। धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला वीडियो अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर दिया है और वेक्टर बी बराबर दिया है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब होता है सदिश गुणन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा सारणिक में आई जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और वेक्टर ए के जो गुणांक है आई जे के 2 3 2 दो तीन दो, और नीचे जो वेक्टर बी में आई जे के का गुणांक है 1 2 1 1 2 1। अब क्या करेंगे, आई लिखेंगे और आई के सामने का इधर का छोड़ देंगे, ये बचा 3 का 1 में गुणा 3, एक तरफ का गुणा करने के बाद माइनस 2 का 2 में गुणा 4। अब जे को माइनस के साथ लिखेंगे, फिर के का नंबर जब आएगा तो प्लस के साथ लिखेंगे, यानी आई के प्लस माइनस प्लस प्लस आई माइनस जे प्लस के, आई के सामने का छोड़ के 3 माइनस 4 हो गया। अब जे को जब लिखेंगे, जे के सामने का छोड़ देंगे 2 माइनस 1 का 2 में होगा 2, प्लस के साथ जब करेंगे तो ये छोड़ देंगे 4 माइनस 3। फिर देख लीजिए, आई सामने छोड़ दिया 3 माइनस 4, जे 2 माइनस 2, के 4 माइनस 3, 3 में 4 जाएगा -1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, आई के 2 में 2 जाएगा 0, 0 जे 2 में 2 जाएगा 0, जे गुणा होगा 0, खत्म हो गया, जे लिखेंगे नहीं, प्लस के 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, केवल के, ये हो गया आपका आंसर।